नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल में कर्मचारी संगठनों की मान्यता को लेकर आज बुधवार से 3 दिवसीय मतदान प्रारंभ हुए। ये चुनावी मतदान 3 दिन यानी 4, 5 व 6 दिसंबर को आयोजित किए गए, जिसका परिणाम 12 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। इस चुनाव में 5 कर्मचारी संगठन अपनी मान्यता के लिए चुनाव मैदान में हैं। पश्चिम मध्य रेल की जबलपुर मंडल के अंतर्गत चुनाव संपन्न कराने को लेकर 6 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों में सुरक्षा को लेकर आरपीएफ की विशेष टुकड़ी तैनात की गई है। इस चुनाव में 5 कर्मचारी यूनियन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में 18,800 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव मतदान में मुख्य मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, रेलवे का निजीकरण ना हो एवं रेलवे कर्मचारी हितों की बात सर्वोपरि रहे। सबसे बड़ी जरूरत हमें ओपीएस चाहिए। इस मुद्दे किस मुद्दे पे किन आपने डाला है वोट, आपने किस मुद्दे पे डाला है आपका वोट? ये हमारा वोट है ओपीएस के मुद्दे को लेकर डाला गया है। हमें ओपीएस ही चाहिए, जो हमें ओपीएस दिलवा सके उनको हमने समर्थन दिया है। नाम बता दो। दीपेश कुमार। लोग का एनपीएस है, एनपीएस हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम है जो कर्मचारी की सुरक्षा के लिए जरूरी है आफ्टर रिटायरमेंट। बस संपूर्ण भारतीय रेल में 11 वर्ष बाद, पिछला चुनाव 2013 में हुआ था, 11 वर्ष बाद ये मान्यता के चुनाव हो रहे हैं और ये पूरे भारत में हो रहे हैं। इसमें हमारा जो मुख्य जो सरकार अपनी यूनियन उतार रही है यहाँ पे हमारे कर्मचारियों के खिलाफ, जो उनके मुद्दे हैं, किसी तरह से ऐसी यूनियन को हमारे बीच से ख़त्म कर दिया जाए जो कर्मचारी को अधिकारियों के लिए लगातार लड़ती है, संघर्ष करती है, उनका यही उद्देश्य है। लेकिन कर्मचारी भी समझदार है, वो उसी यूनियन को चुनना चाहता है जो लगातार संघर्ष करती है और किसी भी राजनीतिक पार्टी की यूनियन नहीं है, जिसका लोगों के अंदर विशेष जो उत्साह दिख रहा है और लहर है कि राजनीतिक यूनियन कोई भी रेलवे में नहीं होनी चाहिए, मजदूरों की यूनियन होनी चाहिए। क्या विशेष मुद्दे क्या क्या है? विशेष मुद्दे तो यही है, रेल का निजीकरण नहीं होना चाहिए, कर्मचारियों को जो यूपीएस दी गई है उसमें ओपीएस की सुविधाएं सारी मिलनी चाहिए, यही विशेष मांगे है हमारी। क्या अब तक क्या आपका वो देखा जा रहा है चुनाव में? क्या चुनाव में कर्मचारियों में उत्साह है और वो उसी यूनियन को चुनेंगे जो राजनीतिक पार्टी यूनियन नहीं हो। लगभग कितने परसेंट चुनाव अभी तक हो चुके हैं? अभी 50% वोटिंग हो गई है। नाम बताएं। रोमेश मिश्रा, मंडल सचिव डब्ल्यू से। आज जो जबलपुर जोन में के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में रेलवे के मान्यता के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसका आज पहला दिन है। ये चुनाव 4, 5, 6 तारीख को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। आज के चुनाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों में काफ़ी दिलचस्पी है। अभी तक लमसम 50% से अधिक मतदान हो चुके हैं। आपका संगठन किस मुद्दों को लेकर मतलब चुनाव लड़ रहा है? वेस्ट सेंट्रल में मजदूर संघ, मूल रूप से जो हमारा ओल्ड पेंशन था उसको सरकार ने एनपीएस में कन्वर्ट किया था। अभी फिलहाल जो भारत सरकार ने यूपीएस लाया, हम उससे किसी भी रूप में सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि नाम चाहे यूपीएस हो चाहे ओपीएस हो, लेकिन जो ओपीएस में मांगे थी उसे उसमें सम्मिलित किया जाए। आज सरकार ने 20 साल से 25 साल की सेवा 5 साल बढ़ाकर पेंशन के लिए वादा किया। 10% जो कर्मचारियों का पेंशन में पैसा काटा जा रहा है वो सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि ओपीएस में जो 10 पैसा काटा जाता है पीएफ के रूप में वो इंटरेस्ट के साथ कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है आपको? पूरी तरह कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है और मूल रूप से जो मुद्दा है ये है और 8वें वेतन आयोग का गठन। जो रेलवे में आज लमसम 35% सेफ्टी कैटेगरी में पोस्टें खाली है जो प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है, वो आगे चलकर रेलवे के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सेफ्टी रेलवे का ऐसा मामला है, पब्लिक से जुड़ा हुआ एक चीज़ है। अगर इसे प्राइवेटाइजेशन सरकार करती है तो बहुत ही इस देश के लिए रेल जो है बहुत ही हानिकारक होगा। और वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ NFIR के नेतृत्व में इसका जोरदार विरोध करेगी और हमेशा करती आई। इस मुद्दा को हम NFIR लेवल पर रेलवे बोर्ड में रखा है कि जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट खाली है उसे यथाशीघ्र भरा जाए। नाम बताओ। आर ए सिंह, सेक्रेटरी मेन ब्रांच WCRMS जबलपुर।